बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी जो क्लास है वो रिलेटेड है प्ले वॉइस के हवाले से, हम किस तरीके से वॉइस को प्ले करा सकते हैं, पॉज करा सकते हैं, स्टॉप करा सकते हैं, साउंड को किस तरीके से कम कर सकते हैं। और ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो है, ये जो रियली प्रोग्रामर होंगे ना, उन्हें ये चीज़ समझ में आ जाएगी किस तरीके से ये वर्क हुआ। ये हमारा डायनेमिकली साउंड जो है, ये यहाँ पर हमने इसको प्ले करवाया। कोई वेबसाइट आप इस तरीके से बनाते हैं जिसमें कोई भी मीडिया से रिलेटेड कोई फाइल है, कोई वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, उसमें आप ये काम करना चाह रहे हैं कि किस तरीके से जो डायनेमिकली जो डेटाबेस से वैल्यूज आ रही हैं वो फाइल प्ले हों सिर्फ, और बाकी जो है वो ना हो, तो वो काम भी इसमें मैंने आज कवर किया आज की क्लास में। तो यहाँ पर देख लिया किस तरीके से साउंड को प्ले कर सकते हैं अपने रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर, और किस तरीके से साउंड को प्ले करने के बाद डायनेमिकली किसी डेटाबेस की वैल्यूज को हम गेट करके उसको किस तरीके से प्ले करा सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ एक पोर्शन बता दूंगा कि किस तरीके से हम डायनेमिकली इंपोर्ट करेंगे मीडिया फाइल को, चाहे वो इमेज हो चाहे साउंड फाइल हो, आप किस तरीके से उसको इंपोर्ट कर सकते हैं डायनेमिकली। और जो है क्या नाम है, बाकी जो काम है वो प्रीवियस लेक्चर में पता है आप लोगों को, डेटाबेस किस तरीके से रीड किया जाता है डेटा को MySQL वाले ट्यूटोरियल में, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा तो आपको पता चलेगा डेटाबेस के वैल्यूज को किस तरीके से गेट किया था। तो आपने उस डेटाबेस के अंदर पुट कराई हुई है साउंड फाइल्स के नेम, और वो आपने अपने किसी फोल्डर के अंदर उसको स्टोर की हुई मीडिया फाइल, आप उसको जो है वो प्रिंट करा सकते हैं। प्रिंट कराने के बाद जब क्लिक करें तो वो प्ले हो जाए, तो वो सारी चीज़ें आप इसको आराम से कर सकते हैं। मैं आज सिर्फ दो चीज़ों पर बात करूँगा, एक ये कि साउंड प्ले को, साउंड फाइल को किस तरीके से प्ले करेंगे, और उसके अलावा हम डायनेमिकली जो है किस तरीके से और जो मुख्तलिफ फाइल्स हैं उनको हम यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको ये holler.js जो है इसको जो है आपने देखना होगा, इस वेबसाइट को। ये हमें प्रोवाइड करेगी npm फाइल पैकेज, जो आप इंस्टॉल करने के बाद जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी डॉक्स में जाऊँगा मैं, तो यहाँ पर हमें डिटेल बता रहे सारी आपने क्या करना होगा रिएक्ट के लिए। आपने यहाँ पर क्या करना है रिएक्ट के लिए कि इसको इंस्टॉल करना होगा, यहाँ पे बता देगा। जावास्क्रिप्ट में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो है क्या नाम है डेस्टिमेंट में अगर आप जावास्क्रिप्ट यूज़ करना चाह रहे हैं। इसके अलावा जो हमने तो रिएक्ट के ऊपर बात करी, तो हम रिएक्ट के ऊपर बात करेंगे। और यहाँ पर मिल नहीं रहा, मैं सर्च कर लेता हूँ कंट्रोल एफ npm, ये npm इंस्टॉल वाली कमांड मिल गई हमें, ठीक है। तो हम ये इसको रन करेंगे अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, ये हमारा प्रोजेक्ट है, हम इसको भी बंद कर देते हैं कंट्रोल सी। मैं इंस्टॉल करूँगा, ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद जो फिर हमने इसको ओके, तो ये इंस्टॉल हो गया, हम npm स्टार्ट कर देंगे। ये स्टार्ट जब तक होता है हम बाकी आके वेबसाइट में देखते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें मौजूद हैं। इसमें ये बता रहा है कि आपने इंपोर्ट क्या करना है, आपने ये कंट्रोल सी किया, इसको अपने कोड में ले आके इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके अलावा क्या बोल रहा है, आप इस तरीके से कांस्टेंट बनाएंगे, यहाँ पर जो है मैं कांस्टेंट डिफाइन करूँगा रेंडर फंक्शन के अंदर, ठीक हो गया। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, आप इसका ऑब्जेक्ट बना लें, यहाँ पर बोल रहा है आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं इस तरीके से, कंट्रोल सी किया हमने, हम यहाँ पर इस जगह पर ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट बन गया। अच्छा, ये जो है आपको पता है कि इस तरीके से हम इसमें नहीं दे सकते रिएक्ट के अंदर, हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको पहले दिखा देता हूँ, मैं पहले जो मीडिया फाइल जो है मेरे पास जो कुछ हैं वो मैं उठाकर जो है यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा अपने सोर्स के फोल्डर के अंदर। मेरे पास ये मीडिया फाइल्स हैं डेस्कटॉप में, मीडिया फाइल्स, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ मीडिया फाइल्स हैं जिसके अंदर जो है मुख्तलिफ वॉइस हैं, तो वो हम इसको प्ले कराएंगे। ठीक है, तो ये आवाज़ है, इसकी आवाज़ थोड़ी स्लो है, हम इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर, सोर्स के अंदर मैंने जाके डाल दिया इसको यहाँ पर, ये मीडिया का फोल्डर इसको मिल गया है। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये सलाम नाम की जो MP3 मुझे इसको प्ले कराना है, मैंने यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट बना दिया, मगर ये प्ले नहीं होगा। आप लोगों को पता है मैं इमेज जब मैंने कराया था उसमें मैंने आपको बताया था कि इम्पोर्ट कराना पड़ता है,
तो मैं चलें खैर आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि हम प्ले किस तरीके से करा सकते हैं। प्ले के लिए हमें ये बताता है यहाँ पर है कि आप जो फंक्शन यूज़ करेंगे वो आप क्या यूज़ करेंगे, आप यूज़ करेंगे साउंड डॉट प्ले का फंक्शन। तो हम किसी बटन में रख लेते हैं, यहाँ पर हम एक और डिव बना लेते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ पर मैं एक बटन बना लेता हूँ, बटन जो है क्या है प्ले का होगा, यहाँ पर मैं कहता हूँ ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पर क्या काम हो, ऑन क्लिक पर ये काम हो कि ये फंक्शन के अंदर हो, क्या काम हो, हम कहते हैं कि साउंड डॉट प्ले, साउंड जो है जो ऑब्जेक्ट ये बना हुआ है हमारा ये जो है क्या हो जाए, ये हो जाए प्ले। ओके ऑन क्लिक इज इक्वल टू आ जाए, ओके कंट्रोल एस किया हमने, ये हमारा बटन आ गया। हम इसको प्ले करके देखते हैं, वॉइस तेज कर देता हूँ मैं थोड़ा, ये प्ले नहीं हो रहा। ओके तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर इम्पोर्ट कराना होगा, हम कहते हैं इम्पोर्ट, इम्पोर्ट हमने कहा कि फाइल वन कहते थे इसको, फ्रॉम कहाँ से उठाओ, हम कहते हैं मीडिया के अंदर से। अच्छा मैं यहाँ पर हर जगह पर मीडिया भी लिख देता हूँ, डॉट स्लैश मीडिया स्लैश इस तरीके से देते हैं ना, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ओके यहाँ पर प्ले नहीं हो रहा। ओके तो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इसको करता हूँ मैं कंट्रोल एक्स, इम्पोर्ट एफ वन फ्रॉम कंट्रोल वी क्या जो मैंने यहाँ से उठाया था, अब मैं यहाँ पर एस आर सी के अंदर एफ वन लिख दूंगा, कंट्रोल एस करता हूँ मैं इसको और मैं यहाँ पे इसको प्ले करूँगा, तो अब ये साउंड फाइल जो है हमारी प्ले हो जाएगी। ये फाइल जो हमारी यहाँ पर प्ले हो गई है, आप इसको जो है पॉज स्टॉप वॉल्यूम सी ये सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं, मैं एक एक करके सारी चीज़ आपको बता देता हूँ। ये बटन प्ले का था, मैं यहाँ पे बनाता हूँ पॉज का बटन, पॉज का बटन आ गया, स्टॉप का बटन, ठीक है स्टॉप हो जाएगा। वॉल्यूम मैं कहता हूँ ये जीरो से लेके, वॉल्यूम जो इसको जीरो से लेके आप वन तक दे सकते हैं, मैं कहता हूँ 0.5, तो जितना भी मेरे साउंड इस वक्त कंप्यूटर में आवाज़ होगी वो इसको 0.5 यानी कि इसकी आधी कर देगा, ठीक है ना आवाज़, ठीक है ये बटन है। ठीक है ये मैं आपको प्ले हुआ, पॉज तो सारे बटन आपको पता चलने किस तरीके से आवाज कम करने को आधी आवाज हो गई, तो आप इस तरीके से इस पे वर्किंग कर सकते हैं। और जो है क्या नाम है इसमें जो है आप कोई भी अपनी फाइल को प्ले करवाना हो, कोई मैसेज प्ले कराना हो, तो आप इस तरीके से इसमें बटन क्लिक के ऊपर काम कर सकते हैं। एप्लीकेशन अभी बनाई है, क्या ये प्ले होती है नहीं होती, तो मैं मेरे पास ये मोबाइल पे एप्लीकेशन चल गई है, मैं देख रहा हूँ कि साउंड चल रहा है या नहीं चल रहा, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये चल रहा है, मैं पॉज करूँगा तो पॉज हो जाएगा, ठीक है प्ले करूँगा तो प्ले होगा। तो मोबाइल पे भी ये वर्किंग कर रहा है, तो यहाँ पर जो है हम अब ये हमारे जो साउंड प्ले करने वाला टॉपिक का ये कवर हो गया है, हम अब बात करेंगे किस तरीके से डायनेमिकली जो है वो हम साउंड को प्ले करवा सकें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत गौर से एक एक चीज़ को गौर से देखते हुए काम करना है आप लोगों ने, इसको आप देख लीजिएगा आगे भी काम आएगी आप लोगों को, तो क्योंकि ये चीज़ जो है ना मेरा पूरा दिन लगा है इसको सर्च करने में देखने में, फिर भी चीज़ें नहीं मिली थी,
बहुत जो है मतलब के यूँ कहने के अपनी प्रोग्रामिंग को इस्तेमाल करते हुए, स्किल्स को यूज़ करते हुए मैंने इसको कोशिश की कि मैं इस किसी तरीके से इस चीज़ को अचीव कर सकूँगी, डायनेमिकली जो है वैल्यूज़ आके प्ले हो, तो वो मैं सक्सेसफुली जो है वो कर लिया था मैंने। तो अब मैं आप लोगों को भी सिखा दूंगा वो किस तरीके से काम होगा। मैं एक बटन बना लेता हूँ, बटन के ऊपर मैं इस पर लिख देता हूँ लोड लोड बटन्स कर देता हूँ, ओके। और हर बटन के ऊपर एक कोई ना कोई साउंड होगी, सही है। और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि ऑन क्लिक इज इक्वल टू मैं कहता हूँ कि दिस डॉट फन वन कॉल हो जाए। फन वन बनाऊंगा मैं रेंडर से ऊपर, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि एक एरे बना लेता हूँ फिलहाल में, जिसमें जिसके अंदर वैल्यू स्टोर होंगी एरे ARR के नाम से। और फन वन मैं यहाँ पर बना लेता हूँ इस तरीके से, फन वन का वेरिएबल बनाया, फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ। और यहाँ पर मैंने क्या काम करना है, मैंने यहाँ पर करना है इम्पोर्ट, इम्पोर्ट यहाँ पर मैं करता हूँ, मैं पहले एक फाइल करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। मैं कहता हूँ इम्पोर्ट करो, किसको इम्पोर्ट करो, मीडिया फाइल में, मीडिया फोल्डर में से डॉट स्लैश मीडिया में से स्लैश वन डॉट MP3 को, ओके। डॉट देन, ये देन किस तरीके से आया ये मैं ही जानता हूँ, बस आप लोगों को मैं डायरेक्ट डायरेक्ट की चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल से ये चीज़ अचीव हुई थी। देन के पास जो है मैं यहाँ पर एक वेरिएबल देन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है MySQL के अंदर, ओके। अच्छा ये जब यहाँ पर हम कहते हैं कि वैल, इसके वैल के अंदर आएगी वैल्यू, तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि जो भी वैल्यू आए वो कहाँ पर स्टोर हो जाए, वो एक हो जाए लेट एक वेरिएबल के अंदर VAR1 के अंदर इज इक्वल टू वैल, ओके। और यहाँ पर प्रैक्टिस स्टार्ट होगा इसका, ओके। यहाँ पर कहूँगा मैं लेट MED कर देता हूँ मीडिया फाइल, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर ये चीज़ आ जाए, तो फिर मैं कंसोल डॉट राइट पे गया, मुझे यहाँ पर मिला वो प्रॉमिस वैल्यूज रिटर्न करा था, फिर मैंने उसको जो है गेट किया था ये डॉट देन करके। तो यहाँ पर हमें मीडिया ये मिल जाएगा, मैं इसको कंसोल डॉट थोड़ा सा मैं बता भी देता हूँ तो मैं किस तरीके से कहता, MED में जाता हूँ मैं कंसोल डॉट लॉग में, कंट्रोल एस करूँगा कि जब मैं बटन पर क्लिक करूँ तो मेरे पास लॉग में क्या चीज़ आ रही है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर इस तरीके से डायरेक्ट डाल देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। कंट्रोल एस किया यहाँ पर मैंने और ये लोड बटन पे जब क्लिक कर रहा हूँ तो क्या होगा, मैं इस पे जाके कंसोल पे देख लेता हूँ ब्राउजर के, कंसोल में जाऊँगा मैं तो मुझे यहाँ पर मिलेगा ये देखें मॉड्यूल मिल गया, ठीक है। इस मॉड्यूल के अंदर क्या मौजूद है, इसके अंदर ये मौजूद है ये सारी की सारी डिटेल, ठीक है। डिफ़ॉल्ट के अंदर हमें मिल रहा है ये फाइल का एड्रेस, पहले मैं कोशिश की थी कि मैं डायरेक्ट फाइल नेम के ज़रिए कर लूँ क्योंकि जो नाम असाइन होता है वो नहीं होता, लेकिन फिर उसमें ये मसला आएगा कि अगर आप कोई ब्राउज करके एडमिन पैनल बना रहे हैं और ब्राउज करके जो है वो उसको जो है स्टोर कराएंगे तो उसमें जो है ये वैल्यू काम नहीं करेगी इस तरीके से, तो आप फिर उसके लिए करेंगे कि फिर आप ये जो प्रॉपर तरीका इसी को ही इस्तेमाल करें। तो ये डिफ़ॉल्ट हमें मिल गया है, हम डिफ़ॉल्ट के पास जाएंगे, हम डिफ़ॉल्ट के पास जाएंगे और हम इसको मैं इंस्पेक्ट को बंद कर देता हूँ। और हम यहाँ मैं थोड़ा सा और मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ शायद आपको और समझ में आ जाए। मैं कहता हूँ अलर्ट में मुझे दिखाओ F1, सही है। और मैं कहता हूँ अलर्ट में मुझे दिखाओ MED, मैं अभी इसको डिफ़ॉल्ट हटा देता हूँ क्योंकि डिफ़ॉल्ट में मुझे बहुत परेशान किया है। मैं कंट्रोल एस करता हूँ और मैं यहाँ पर कहता हूँ ओके, लोड बटन पे क्लिक करो, ये देखें ये चीज़ मुझे चाहिए थी, ये स्टैटिक के अंदर सलाम फाइल का नाम है, लेकिन ये इसने जो है अपनी तरफ से जो है ID असाइन कर दिए, ठीक है। ये क्लाइंट, जिस क्लाइंट जैसे मेरे मोबाइल के पास भी जब जा रहा है तो वो इस ID के साथ जाएगा, आप चाहें तो डायरेक्ट ये ID भी कर सकते हैं। मैंने सोचा पहले आप लोगों को इस तरीके से बता दूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं ये जो प्रॉपर तरीका है ये बताऊँ क्योंकि इसमें जो है अपलोड करने में फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। ओके तो जब मैं ओके करूँगा तो ये देखें ये मुझे इस तरीके से मिल रहा था क्योंकि ये प्रॉमिस जो ऑब्जेक्ट है वो रिटर्न कर रहा था। प्रॉमिस मतलब कि असिंक फंक्शन जो है वैल्यू रिटर्न करता है उसकी,
जो लास्ट ऑरिकल वाली थी मैंने असिंक और अवेट मैंने आपको बता दिया था। तो हमें यहाँ पर क्या करना था, अब मैं अगर इसको कहता हूँ कि वैल में जाए डिफॉल्ट कंट्रोल एस, अब मैं इसको F5 करके रन करता हूँ मैं, अब मुझे यहाँ पर बटन क्लिक पे क्या मिलेगा, देखिए जो वैल्यू मुझे यहाँ पर मिली इसको ध्यान में रखिएगा, वही वैल्यू मुझे यहाँ पर अगेन मिल गई उस वेरिएबल के अंदर। तो मैं इसको हटा देता हूँ अलर्ट को, बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से आप लोगों को। अब हमें क्या करना है, हम कहते हैं इस ARR के अंदर क्या हो, एक बटन ऐड हो जाए जो प्ले होगा, बटन ऐड हो जाए, बटन के अंदर क्या लिखा हुआ स्लैश बटन बंद हो गया, इसके अंदर क्या काम हो, इसके अंदर का हमने कहा ऑन क्लिक, ऑन क्लिक पे क्या काम हो, ऑन क्लिक के ऊपर जो काम हो वो क्या काम हो वो हम यहाँ पर इसको डिफाइन कर सकते हैं, वो सारा काम हो जो हमने यहाँ पर अभी किया है। हमने क्या काम किया, हमने ये काम किया था साउंड वेरिएबल बनाया था, अब हमें वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं, हम बटन के अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे देंगे। तो हम इसको यहाँ से इतना एरिया कॉपी कर लेते हैं, न्यू ये वाला जो था ऑब्जेक्ट वाला, मैं इसको एक लाइन में लिख देता हूँ, किस तरीके से लिखूँगा इसको मैं ऊपर उठा देता हूँ, ओके ओके ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया, ये मैं इसको एक और ब्रैकेट में लिख लेता हूँ इस तरीके से, ये पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है उसका रेफरेंस जो साउंड नाम में जा रहा था वो अब इस जगह पर इस ब्रैकेट के अंदर आ गया। मैं यहाँ पे कहता हूँ डॉट प्ले हो जाए, ठीक है बस। अब F1 क्या चीज़ है, F1 तो मुझे नहीं देना है, मुझे क्या देना है, मुझे देना है MED। MED क्या है, वो स्टैटिक पाथ जो हमने गेट किया है इम्पोर्ट जो डायनेमिक कराया उसमें, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर लूँ, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको ये करेंगे कि यहाँ से ये उठे कंट्रोल एक्स और यहाँ पर आके पेस्ट हो जाए, ये ऑब्जेक्ट बन रहा है यहाँ पर इस तरीके से, ये हमारा इम्पोर्ट किया हुआ F1 F2 F3 जो यहाँ पर था वही चीज़ है इस तरीके से। ये हमने क्या किया है, इस तरीके से इम्पोर्ट करने के बाद डॉट देन से हमने हासिल किया है, वो भी उसके डिफ़ॉल्ट के एलिमेंट के अंदर से, और हमने कहा कि वो प्ले हो जाए। तो यहाँ पर हमारा ये काम इतना है, और इसको इस तरीके से होगा डॉट प्ले ओके ओके क्या हम इसके करा मैंने ठीक हो गया डॉट प्ले भी हो गया बिल्कुल सही। ऑन क्लिक का सी मैंने कैपिटल नहीं लिखा है, कंट्रोल एस, और ये हमें कह रहा है कि एरर, क्या कह रहे हैं, हाँ आपने इसको ऐड करना है ना बट एरे के अंदर, तो हम कह रहे हैं ARR डॉट पुश, ARR के अंदर ये पुश, क्योंकि ये कोडिंग हो रही ना यहाँ पर, तो इस जगह पर आप, इस जगह पर कोडिंग में आप टैग को इस्तेमाल नहीं कर सकते, टैग आप इस्तेमाल कर रहे हैं एरे के अंदर ऐड करने के लिए, ओके। कंट्रोल एस किया हमने, ओके हो गया, डन हो गया, ये ऐड हो गया। अब हम इसको डिस्प्ले कैसे करें, जब हम इसको यहाँ पर डिस्प्ले कराने जाते हैं तो हमें यहाँ पर डिस्प्ले हुआ नहीं हुआ, लेकिन एरे के अंदर वो जाकर स्टोर हो जाएगा कब, जब हम इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक काम और कर लेते हैं, और हम यहाँ पर एक जो है इस जगह पर ये डिफ था ना हमारा, फॉर लूप बना लेते हैं कंट्रोल वी स्लैश डिफ ओके, और इसका कलर थोड़ा और चेंज कर लेते हैं लाइट। इस डिफ के अंदर क्या हो, इस डिफ के अंदर हमने कहा कि डिस्प्ले हो दिस डॉट ARR, लेकिन ये ARR यहां पर नहीं आएगा क्लिक करने पर भी, ठीक है, क्योंकि हो क्या रहा है कि ये जो लोड इवेंट है ना, जब इस पर हम क्लिक कर रहे हैं तो उससे पहले हमारा पूरा पेज लोड हो जाता है, उसके बाद ये वर्क करता है। मैं आपको सबूत में एक और चीज दिखाता हूँ, ये मैंने किया था सब करने के बाद ही, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो सब चीज़ें कर चुका हूँ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट उसमें। देखिए मैं कहता हूँ अलर्ट, यहाँ पर मैं कहता हूँ एक्स, ठीक है अलर्ट एक्स, उससे पहले क्या हो रहा है, हमारे पर बटन क्लिक के ऊपर फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस जगह पर आता हूँ, तो इस जगह पर ओके
कलर्ड एक्स कर लेता हूँ, थोड़ा ऐसे देता हूँ फिलहाल। ये देखिए ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हो गया ना, उसके बाद ये वर्क कर रहा है। जब बटन क्लिक पे किया तो एरे तो बन गया, लेकिन वो एरे डिस्प्ले नहीं हुआ है, तो हमें डिस्प्ले कराना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक काम कर लेते हैं, और वो यहाँ पर फिलहाल समझने के लिए बता रहा हूँ मैं आप लोग, बाद में आप लोग तब्दील कर सकते हैं। मैं कहता हूँ स्टेट एक ले लेता हूँ, क्योंकि स्टेट की वैल्यू जब बदलती है तो कंपोनेंट रिफ्रेश हो जाता है। ए कॉलन जीरो कर देता हूँ, ओके। और मैं यहाँ पे कहता हूँ एक बटन में कि जब लोड हो तो उस वक्त क्या काम हो, मैं यहाँ पे कहता हूँ डिस्प्ले बटन, ओके। इसका नाम क्या होगा, डिस्प्ले बटन कहता हूँ। जब ये काम हो तो मैं इसमें क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई आपने करना ये है this dot set state, और state की वैल्यू जो a थी उसको कर दें 1। तो जब यहाँ पर 1 आएगा तो फिर क्या होगा कि कंपोनेंट रिफ्रेश होगा, और कंपोनेंट रिफ्रेश होने पर क्या होगा, ये क्लिक काम कर चुका। इस क्लिक ने क्या काम किया होगा, इसके अंदर इसने अपने अंदर डायनेमिकली जो साउंड फाइल है जो अभी हमने सिर्फ एक हुई है वो अपने अंदर रख लेगा, उसको वो डिस्प्ले कर देगा। तो ओके, चल के रन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। यहाँ पर मैं लोड बटन में क्लिक किया और डिस्प्ले के ऊपर मैंने क्लिक किया, देखिए कंपोनेंट हमारा रिफ्रेश हुआ, लेकिन यहाँ पर अभी भी नहीं आया। तो मैं इसको यहाँ से अलर्ट हटा देता हूँ और देखता हूँ मसला क्या आ रहा है। तो ये मसला जो है कुछ भी नहीं है, मसला जो है हमारे पास ये था कि हम इस पर एलिमेंट ऑफ ज़ीरो को कराएंगे ना, ARR तो कुछ भी नहीं होगा वो, ठीक है। तो एलिमेंट ज़ीरो अभी एक ही एलिमेंट है, तो हम कह रहे हैं कि भाई ARR0 जो है उसको आप प्रिंट करा दो। तो ये हमारा एरे ऑफ एलिमेंट जो है ये यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने एक काम करता हूँ, मैं 1 कर देता हूँ उसको, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ होगा, क्योंकि हम क्या है 1 की साउंड फाइल जो है हम इसको प्ले करा, तो इसमें हमने यहाँ पर 1 लिख दिया, ओके। अब हम इसको देख लेते हैं, F5 करके रिफ्रेश कर लेते हैं, लोड बटन पे क्लिक किया, डिस्प्ले पे यहाँ 1 आ गया, ओके। ये वर्किंग फाइन कर रहा है। हमें क्या करना होगा, हम इसको कर लेते हैं लूप के अंदर, इसको रख देते हैं। हमारे पास जो फाइल है उसका नाम इत्तेफाक से 1 2 3 4 5 है, वरना आप चाहें तो एरे के अंदर नाम रख सकते हैं। डेटाबेस से वैल्यू आ रही होगी तो वो नाम होगा, उसकी लिस्ट बनेगी, जेसन फाइल होगी उसको लूप चला के आप नाम कर लेंगे। तरीका इसी तरीके से होगा, मैं लूप के जरिए कर लेता हूँ। फॉर का लूप लगा, फॉर लेट आई इज इक्वल टू 1 है ना, तो 1 आई लेस देन इक्वल टू 6 तक चला दें चले, प्लस प्लस, सही है। फॉर का लूप चला, यहाँ से स्टार्ट होगा ये लूप, और कहाँ ख़त्म होगा, यहाँ पे ख़त्म होगा। कंट्रोल एस, ये जो 1 लिखा हुआ था इसको मैं कहता हूँ भाई तुम हट जाओ यहाँ से, एक और एक सिंगल को छोड़ लगा, एक सिंगल को, दोनों स्ट्रिंग अलग हो गए। प्लस प्लस करके मैंने ऐड करा आई को, यहाँ पर जो 1 था इसको मैंने कहा नहीं 1 नहीं, तुम आई आ जाओ अपनी वैल्यू लेकर। अब हम कंट्रोल एस करेंगे और इसको देखते हैं कि अब वर्क करता है क्या। लोड के ऊपर क्लिक किया, लोड हो गया एरे, डिस्प्ले के जरिए हमने यहाँ पर ऐड नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ओके। तो ऐड इस वजह से नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ तो मैं कर लूँ, जो हमने मिस्टेक की उसको थोड़ा सा सही, कंपोनेंट यूज़ हो गया तो हमें इस तरीके से होगा ताकि वैल्यू आ जाए, ठीक है। एक तो ये बात है, दूसरी बात ये कि हमने यहाँ पर एरे का एलिमेंट ज़ीरो कराया हुआ है, तो हमें तो पूरा एरे कराना है, तो हम किस तरीके से करेंगे। आप लोगों को पता है सब, दूसरी या तीसरी क्लास में मैंने आप लोगों को एरे का मैप समझाया था, तो हम कहेंगे ARR.map.map। मैप के अंदर मैं कहता हूँ VL और VL बस कर देता हूँ, ताकि सब एक बटन एक साथ आ जाए, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। ये बटन आ गए, 1 2 3 4 5 6 1, ये हमारे पास वर्किंग कर रहा है। मैं अपने मोबाइल को भी चेक कर लेता हूँ, इसको लोड बटन पे क्लिक किया, इस तरीके से आपको शायद नज़र आ रहा हो कि मेरे पास इधर भी बटन आ गए। मैं इसको प्ले करके देख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6, ओके। तो ये थी हमारी टोटल आज की क्लास, मेरे ख्याल से चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। आज तक के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।